मजदूरों पर योगी के बड़े कदम पर अखिलेश ने इस्तीफा मांग लिया तो जनता ने वो बोल दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। दिखाएंगे आपको, लेकिन आखिरकार अखिलेश को इस्तीफा मांगना क्यों पड़ा? मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा फैसला किया कि अखिलेश गुस्सा हो गए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बीच भारत में लेबर रिफॉर्म की शुरुआत होती नजर आ रही है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश में राज्य सरकारों द्वारा प्रयास शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 मई को अगले 3 साल के लिए कारोबारों को लगभग सभी लेबर लॉ के दायरे से बाहर रखने के लिए उत्तर प्रदेश टेम्परेरी एग्जेम्पशन फ्रॉम स्ट्रेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। जैसे ये फैसला हुआ, अखिलेश यादव सामने आ गए। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण ना दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री ने क्या कहा, जरा उस पर नजर डालते हैं। ऐसे औद्योगिक संस्थाओं में जो लॉकडाउन के दौरान बंद थे, इसके बावजूद उन्होंने अपने सभी कामगारों श्रमिकों को मानदेय उपलब्ध कराया है। उन औद्योगिक संस्थाओं में काम करने वाले कामगारों को आगे भी मानदेय मिलता रहेगा। अब इस पर जनता ने जबरदस्त जवाब दिए हैं। गरीबी उन्मूलन के नाम पर नेता बने माया, मुलायम व लालू जैसों की पूरी संपत्ति को गरीबी उन्मूलन के लिए इस्तेमाल किया जाए। आयुष्मान तो बड़ी अजीब बात कहते हैं, मूर्ख क्यों बना रहे हो जनता का? सरकार ने 3 साल के लिए इसलिए स्थगित किया है ताकि बाहर से आए लोगों को रोजगार मिल सके। अपनी सरकार में कब्रिस्तान की दीवारें, हज हाउस बनाने में पैसा बर्बाद किया, परंतु अब आप चिंता ना करें, यह सरकार आपकी तरह पैसा बर्बाद नहीं करेगी। एक और कहते हैं कि तुम अपनी सरकार बना लो, फिर फिरौती का काम शुरू करवाने का इरादा है क्या? अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने समझदारी दिखा दी तो सपा कभी भी शासन में नहीं आएगी। अब जनता अपने पैरों तक की सोचेगी कि पूरे रास्ते की सोचेगी? जो व्यक्ति अपना सामान खुद लूट लेता हो वो जनता का क्या करेगा? तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से जनता ने जवाब भी दे दिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार राजनीति सिर्फ होती रहेगी या वाकई मजदूरों का कुछ होगा भी? क्योंकि आज की ये तस्वीरें हैरान करती हैं, किस तरीके से मजदूरों को कुचलकर ट्रेन चली गई। इंतजार तो ट्रेन में बैठकर जाने का था, लेकिन ट्रेन ही वहां से निकल गई। अब ये इंतजार कब तक बना रहेगा? अब भी अगर मजदूरों के लिए काम ना हुआ तो सवाल तो उठेंगे।